15 से 25 हज़ार रुपये के बीच पैसा लगाकर आप अगर अपने घर बैठे कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपको फूड मार्ट एग्रो इंजीनियरिंग जो कि गाजियाबाद में है यहाँ पे विजिट करना चाहिए। मतलब रोज का 500 से लेकर 1500 रुपए तक इजीली छोटे से आप रूम के कॉर्नर पे भी अगर मशीन लगा लेंगे ना तो वो इजीली आपके स्पेस में आ जाएगा। शुगर कैंडी मशीन जिसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, कोई अगर हमारे चैनल से आता है जय वीरू ब्लॉग से तो उसको आप और भी डिस्काउंट दे देंगे। आराम से आपके चैनल से आ रहे हैं तो ऑफकोर्स वो डिस्काउंट तो बनता है। मशीन की आपको 1 ईयर की वारंटी दी जाती है कि मशीन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे जो इंजीनियर्स होते हैं वो आके आपकी मशीन देखते हैं। सर दूसरी मशीन आती है हमारी कॉफी की मशीन, जो हमने यूट्यूब पर देखा था प्राइस उससे कुछ कम ही मिल रही है। अच्छा अच्छा, मतलब डिस्काउंट दे रहे हैं आपको। हाँ। और अगर किसी को अच्छे लेवल का बिजनेस करना है तो वो मूवी के हॉल में भी इसको रख सकता है जिसमें उसकी ट्रिपल इनकम होती है। लागत उनकी 1 रुपए की है पर प्रॉफिट पूरा 90% का है। तो ऊपर करते हैं तो देखिए सर पॉपकॉर्न प्रॉपर हमारे रेडी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जय वीरू ब्लॉग्स की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आ गए हैं फूड मार्ट इंजीनियरिंग जो कि गाजियाबाद में स्थित है। दोस्तों जो मशीन्स लेने, इनका बेसिकली जो बिज़नेस है वो है मशीनरी का। जी हाँ, जो मशीन्स लेने के लिए हम लोगों को अमूमन दिल्ली जाना पड़ता था, आज वही मशीन्स गाज़ियाबाद में उत्तर प्रदेश के अंदर आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप कम पूंजी लगाकर, बहुत ही कम पूंजी लगाकर, मेरा कहने का तात्पर्य है कि 15 से 25 हज़ार रुपये के बीच पैसा लगाकर आप अगर अपने घर बैठे कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपको फूड मार्ट एग्रो इंजीनियरिंग जो कि गाजियाबाद में है यहाँ पे विजिट करना चाहिए। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर ले। और अब आपके अपने जय वीरू ब्लॉग्स मुंबई में भी अवेलेबल हैं, अगर वहाँ पर भी अगर आपको कोई अपना शूट कराना हो तो हमारे ईमेल आईडी jayvirublogs@gmail.com पे आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे मैम है, मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइए कौन कौन सी मशीन्स हैं और कितना पैसा वो रोज का कमा सकते हैं मैम। सर आज हम इस मशीन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो उन लोगों के लिए है जो छोटे स्तर से बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई एक साथ ही 15, 20, 25 या 1 लाख रुपए नहीं लगा सकता। तो छोटी सी मशीन से एक बड़ा व्यवसाय कैसे किया जा सकता है आज हम उन मशीनों के बारे में जानेंगे, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस मैं आपको मशीन को दिखा के बताऊंगी कि कैसे आप एक छोटे से लेवल से बड़े लेवल का बिजनेस कर सकते हैं और अच्छी खासी आय कमा सकते हैं। मतलब रोज का 500 से लेकर 1500 रुपए तक इजीली अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए। जी सर। और मैम जो आप मशीनें दिखाने जा रहे हो उसके लिए जगह कितनी चाहिए होगी? सर ज्यादा नहीं, छोटे से आप रूम के कॉर्नर पे भी अगर मशीन लगा लेंगे ना तो वो इजीली आपके स्पेस में आ जाएगा। तो दोस्तों अब देखते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए कि कौन कौन सी मशीन है, और स्क्रीन के ऊपर इनके नंबर आ रहे हैं, इसके ऊपर आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एड्रेस मैं इनका एक बार आपको बता देता हूँ, गाजियाबाद। मैम कौन सा मेट्रो स्टेशन है थोड़ा सा बताइए। मैं देती हूँ हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन से आपका 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा ऑफिस है फूड मार्ट एग्रो इंजीनियरिंग। प्लीज जरूर विजिट करें, एक से एक मशीन आपके लिए अवेलेबल है। तो चलते हैं, आप वीडियो आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कौन कौन सी मशीन अवेलेबल है। तो सर ये है हमारी पहली मशीन जिसके बारे में बात करने जा रही हूँ, शुगर कैंडी मशीन जिसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं और सिंपल सी भाषा में हम इसे बुढ़िया के बाल भी कहते हैं। तो ये कैसे मशीन काम करती है और कैसे कैसे हम शुगर कैंडी को तैयार करेंगे, चलिए इस प्रोसेस को जानते हैं। तो सबसे पहले सर हम यहाँ पे शुगर को डालते हैं, जिससे कि शुगर डालने के बाद उसमें स्टीम तैयार होता है। अब इसके साथ ही करते के साथ ही हम यहाँ से बटन को ऑन करते हैं और ये देखिए हमारी शुगर कैंडी तैयार हो रही है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है जो आसानी से शुगर कैंडी तैयार हो जाती है और जो इजीली मार्केट में हम 5 से 10 रुपए में पैकेट बना के देखते हैं और इजीली पर डे का 500 से 1000 रुपए अर्न कर लेते हैं। तो आइए देखिए कैंडी फ्लोस रेडी है लकड़ में या किसी चीज में आप घुमाकर। जी इस हम चॉपिंग स्टिक्स होती हैं या वुड की स्टिक्स होती हैं उसमें भी हम लगा के रेडी कर सकते हैं या फिर इजीली से सिर्फ नॉर्मली व्हाइट फॉली जो आती है पाउच पैकिंग के लिए भी उसमें भी करके हम इसको तैयार कर सकते हैं। तो मैम इस मशीन की अगर बात करी जाए तो ये मशीन के क्या प्राइसेस रहेंगे और कहाँ कहाँ आप डिलीवरी कर देते हैं मैम? सर सबसे पहले ये मशीन बहुत सस्ती है कि कोई भी इसको परचेज कर सकता है, और डिलीवरी की बात रही तो ये हर जगह इसको डिलीवरी देते हैं। ऑल ओवर इंडिया आपकी डिलीवरी है? ऑल ओवर इंडिया हमारी डिलीवरी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से कॉटन कैंडी तैयार हो चुकी है। यस।
इसमें आप अगर कलर वगैरह चाहते हैं तो आप ऊपर से उसको भी डाल सकते हैं। तो इस मशीन का प्राइस क्या है मैम? तो इस मशीन की प्राइस है 16,000 रुपए की मशीन है ये, जो आपको इजीली अगर आप सर के चैनल से आते हैं तो आपको सस्ती पड़ती है। मतलब कोई अगर हमारे चैनल से आता है जय वीरू ब्लॉग से तो उसको आप और भी डिस्काउंट दे देंगे? आराम से, आपके चैनल से आ रहे हैं तो ऑफकोर्स वो डिस्काउंट तो बनता है। तो मैम इसकी क्या कोई वारंटी गारंटी होती है या क्या होता है बेसिकली? जी सर, मशीन की आपको 1 ईयर की वारंटी दी जाती है कि मशीन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे जो इंजीनियर्स होते हैं वो आके आपकी मशीन देखते हैं। इस मशीन की डिलीवरी आप ऑल ओवर इंडिया करते हैं? जी सर, आप जहाँ का भी एड्रेस हमें प्रोवाइड करेंगे हम आपकी डिलीवरी वहीं पे देंगे। ठीक है मैम। तो मैम अब ये उसके अलावा कौन सी मशीन है जो आप दिखाने जा रहे हैं? दूसरी मशीन आती है हमारी कॉफी की मशीन, जो हर मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का लोगों का स्टार्टअप होता है कि सुबह उठते ही चाय और कॉफी चाहिए होता है। तो हमारा जो सेकंड बिजनेस है वो टी एंड कॉफी का बिजनेस है, जैसे कि आप देख रहे हैं कॉफी की मशीन। जी, इस मशीन के बारे में लगभग सबको पता होता है जी, कॉफी है, टी है, हॉट वाटर है, हाफ कप है, तो आपको जो पीना है आप पी सकते हैं। कॉफी की मशीन ऐसी मशीन है जिसके बारे में हमने बात की कि टी एंड कॉफी जो हर गांव देहात का इंसान भी पीता है, आजकल सभी लोगों की पसंद बन गई है कि सुबह शाम दोपहर, तो एक रूटीन बन चुका है कि ये मशीन तो चाहिए ही चाहिए। तो ये भी एक लो बजट मशीन है जो आप इजीली आपको अवेलेबल हो सकता है और आप आसानी से इसका बिजनेस भी कर सकते हैं। यहाँ पे पानी का कैन लगता है मैम? जी सर। ओके, और थोड़ा सा आप मशीन के अंदर का भी बताइए। बिल्कुल, ये कहाँ पे कॉफी और कहाँ पे टी वगैरह जो भी आप तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो बॉटल होती है ये हमारा टी का होता है, जिसमें कि आपकी वो पहले वो चाय की पत्ती वाला जो पानी निकलता है इसमें होके फिर उसमें दूध मिक्स होता है, देन हमारा ये कॉफी का है, इसमें मिल्क करके आपके यहाँ से स्टार्ट होता है टी एंड कॉफी, इजीली आप इसको रेडी कर सकते हैं। ठीक है मैम। तो इस मशीन की प्राइस की अगर बात करें तो मैम? सर, ये इजीली आपको उसी बजट के अंदर मिल जाती है, 2-3 हज़ार रुपए कम ही मिलेगी आपको, पर अबव नहीं जाएगी, तो लो बजट इसे कह सकते हो आप। ठीक है मैम। जी सर। गंगा, मैं रंजन प्रकाश, मैं बिहार से हूँ, सासाराम बिहार से। अच्छा जी। जी, मैं यहाँ जो दोना और पटल जो होती है वही मशीन लेने आई हूँ, तो मैं यूट्यूब के माध्यम से जाना। अच्छा। हाँ, तो सर आपको यहाँ जो मशीन दी गई है अभी आपने मशीन खरीद ली है या अभी आपको खरीदनी है? मैंने खरीद ली है। खरीद ली है जी। तो मशीन के साथ जो रॉ मटेरियल मिलता है जो डोना पत्तल जिससे बनता है तो वो भी यही आपको दे रहे हैं या आप कहीं बाहर से ले रहे हैं या उसके लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ रही है? ना, फिलहाल तो इनके माध्यम से अवेलेबल हो जा रहा है, वो बुलाया गया था। अच्छा, रॉ मटेरियल मिलता है। जी बुलाए थे अपने यहाँ। अच्छा, मतलब इन्होंने जो रॉ मटेरियल देते हैं सप्लायर उन्हीं को यहाँ पे बुलाकर आपको डायरेक्ट उनसे डील करवा दी। जी, तो सर आपको इनका व्यवहार कैसा लगा और जो प्राइजेज आपने यूट्यूब की वीडियो में देखे थे वही प्राइजेज आपको यहाँ मिल रही है या बढ़ा के दे रहे हैं आपको ये? ना, जो हमने यूट्यूब पर देखा था प्राइस उससे कुछ कम ही मिल रही है। अच्छा, मतलब डिस्काउंट दे रहे हैं आपको। हाँ। चलिए ठीक है, तो आपको इनका व्यवहार अच्छा लगा और मतलब इनसे आप आगे रिकमेंड करते हैं कि मशीन खरीद सकते हैं? जी। ठीक है सर, धन्यवाद आपका बहुत। जानेंगे, हमने पहली मशीन के बारे में बात की, दूसरी मशीन के बारे में बात की, अब हम करते हैं थर्ड मशीन जो हर किसी को पसंद है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे छोटा सा बच्चा हो, हर किसी को पसंद आता है पॉपकॉर्न, जो इजीली आपको हर शॉप में मिलता है, मॉल में मिलता है, और अगर किसी को अच्छे लेवल का बिजनेस करना है तो वो मूवी के हॉल में भी इसको रख सकता है, जिसमें उसकी ट्रिपल इनकम होती है, जिसमें कि आप भी जानते हैं और हम सबको पता है कि जो हम क्या कहते हैं हमारे लिए पॉपकॉर्न होता है वो इजीली हमें कहीं भी अवेलेबल हो जाता है, तो बहुत से लोग अपना खुद का प्रोडक्शन भी करते हैं खेती बाड़ी से, तो उनके लिए तो और बेनिफिट हो जाता है कि उनको चीज़ भी अपने पास से मिल रही है, सिर्फ मशीन परचेज करनी पड़ रही है, जिसमें कि लागत तो उनकी 1 रुपये की है पर प्रॉफिट पूरा 90% का है, क्योंकि मतलब 90% या 100% ही कह लीजिए मैम, कि 1 रुपये की लागत लगाकर 20 रुपये का, या अगर आप अगर हम छोटे जगहों की बात करें तो 10 रुपये का एक पैकेट बिकता ही बिकता है। बिल्कुल सर। तो मतलब 9 रुपये की फिर भी बचाता है 1 रुपया खर्च करने के बाद। तो हम कह सकते हैं कि पॉपकॉर्न का बिजनेस तो ओवरऑल प्रॉफिट बिजनेस होता है, जिसमें लॉस की तो कोई गुंजाइश नहीं। मक्का भी हर जगह अवेलेबल हो जाता है इसीलिए। इसमें भी सर लोगों को अगर बहुत हाई लेवल पे बिजनेस करना है तो वो बटर इंक्लूड कर लेते हैं, नॉर्मल लेवल पे करना है तो नॉर्मल पैकिंग के लिए आपने देखा होगा कि लोकल मार्केट्स में रखता है, शॉप के बाहर लगता है, मॉल्स में वो एज अ ब्रांड के रूप में लोग बेच देते हैं पॉपकॉर्न बना के। जी, तो पॉपकॉर्न का बिजनेस इतना बेस्ट बिजनेस है कि इस बिजनेस को करने का बेनिफिट ही बेनिफिट है, लॉस तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब जानते हैं कि पॉपकॉर्न बनता कैसे है जो पब्लिक को पसंद भी आता है, तो चलिए चलते हैं पॉपकॉर्न को बनाते हैं। तो हमने इसमें डाला, जैसे कि हमने अभी हीट किया था, अब हीट करके ये हमारा क्या है पॉपकॉर्न हम इसमें डालेंगे, हमने यहाँ से पॉपकॉर्न डाल दिए और अभी कैसे बेक होंगे
इसमें कि हम ऊपर से इसके लिड को, अच्छा यहाँ पे कोई लिड भी है जिसको, ओके ओके, इसको हम ऐसे प्रेस कर देंगे और यहाँ से हम बटन को ऑन कर देंगे। अब ये प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो गया। तो कैसे पॉपकॉर्न अब रेडी होंगे तो अभी देखते हैं। 2 मिनट में हमारे पॉपकॉर्न खुशबू रेडी हो गए, खुशबू आनी शुरू हो गई है, वो बटर वाली खुशबू आनी स्टार्ट हो गई है इसके अंदर। ठीक है मैम, समझ गए, ये काफी अच्छी मशीन है जो आप दिखा रहे हैं। तो इसके अगर प्राइस की अगर मैं बात करता हूँ तो मैम इसका क्या प्राइस वगैरह रहता है? मैम सर इसकी प्राइस की बात करना चाहूँ तो ये आपको 18,000 से लेके अगर आप अब भी देना चाहते हैं तो 20,000 से 22,000 की रेंज में भी आपकी और अच्छी मशीन आती है। मतलब और भी मशीन आपके पास हैं जो 20-22,000 रुपए की रेंज में आपको और मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पॉपकॉर्न रेडी हो गए कि नहीं हुए। तो अगर हम लिड को ऊपर करते हैं तो देखिए सर पॉपकॉर्न प्रॉपर हमारे रेडी है। तो देख जैसे कि आप देख रहे हैं पॉपकॉर्न हमारे धीरे धीरे करके और ज्यादा प्रोसेस हमारा होता जा रहा है, ये रेडी हो चुके हैं पॉपकॉर्न। अब इसको टेस्ट करके देखेंगे कैसे लगते हैं। जी मैम जी, तो ऐसे कि मैंने पॉपकॉर्न खाया सर, इट्स रियली यम्मी, और जो कि हमने इजीली बना लिए हैं। आपने भी देखा कैसे हमने 2 मिनट के अंदर पॉपकॉर्न रेडी कर, 2 मिनट का भी टाइम नहीं लगा मैम, 30 सेकंड के अंदर पॉपकॉर्न रेडी बनके, जस्ट 1 सेकंड हमारा हीट प्रोसेस होता है, विद इन उसके 2 मिनट बाद ही हमारे रेडी हो चुके हैं पॉपकॉर्न। अब इसको आप 2 तरीके से बेच सकते हैं, या तो आप नॉर्मली भी इसको पैकिंग कर सकते हैं या तो बड़े लेवल पे जैसे कि हमने पहले बात की थी, मतलब डब्बे वगैरह के अंदर आप पैक करके आप दे सकते हैं जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा इनकम अर्न कर सकते हैं। ठीक है मैम। यस सर। तो मैम इसके अलावा भी कोई और मशीन है? आप अभी 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 आपने जैसे आपसे पहले बात चल रही थी, आपने बताया था हमारे पास एक कॉफी टी की मशीन है, उसके अलावा एक कॉफी की मशीन है मैम। जी सर। तो मैम उसके बारे में थोड़ा सा बताइए क्या है? तो सर अभी जैसे कि हमने पहले कॉफी मशीन देखी थी, इसमें टी एंड कॉफी का ऑप्शन था, बट हम देखेंगे दूसरी हमारी ये, जैसे कि आपने इस कॉफी मशीन को आपने शादी फंक्शंस में देखा होगा कि हम कैसे झाग वाली कॉफीज रेडी करते हैं, तो ये वो मशीन है हमारी कि ये किस तरीके से वर्क करती है। वैसे तो देखिए शादी पार्टीज में ही लगी होती है मशीन मैम। सर इसमें भी आपके सेम 2 लाइट्स के ऑप्शन है, एक लाइट का एक हीट प्रोसेस का। जैसे हम टी एंड कॉफी बनाते हैं तो हम नॉर्मल टी कॉफी का पहले जो हमने देखा उसमें क्या करते हैं, हम दूध वगैरह डालते हैं, वो हमारी कॉफी रेडी होती है। बट ये कॉफी हमारी होती है जो हम लोगों को बहुत पसंद आती है, जिसे मोस्टली हम कैफे वगैरह में देखते हैं या तो फिर हम शादी फंक्शंस में देखते हैं। तो इस मशीन को लेने का ये बेनिफिट है कि ये काफ़ी झाग वाली बनती है, जिसमें कि काफ़ी अच्छी तरीके से हम जैसे कैपेचिनो पीते हैं, काफ़ी चीज़ें वैरायटी होती हैं, तो ये हमारी मल्टी लेवल कॉफी के जैसे कह सकते हैं। तो मैम ये मशीन बेसिकली क्या इसका खर्च क्या आता होगा लगाने के बाद? सर इसका खर्च जैसे कि हमने पहली मशीन का देखा वो भी आपके 10 से 12 में आती है, इस ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। आप जैसे कि बात कर रहे हैं कि इसका कितना बजट है, तो ये हमारी 15,000 रुपये में इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगी। 15,000 रुपये में आप इसको किसी भी कस्टमर को दे देते हैं जो आपके यहाँ विजिट करते हैं। और मैं अगर इसकी बिजली की खपत की बात करता हूँ तो इसकी क्या खपत आती है बिजली की? क्योंकि ऐसा तो नहीं है लगाने के बाद पता चले कई हजारों का बिल आ गया। जा सर इलेक्ट्रिसिटी की बात करना चाहूँगी तो सर मोस्टली हमारे पास जो मशीनें हैं ना वो ऐसी मशीनें हैं जिसे आप नॉर्मली जैसे हम घर की बिजली यूज़ करते हैं, 1/2 HP की हमारे यहाँ मोटर होती है जो इजीली आप नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका अलग से कोई बिजली बिल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती आप। तो जैसे कि दोस्तों अभी हमने 3 मशीनों के बारे में जानकारी ली कि कैसे लो बजट में हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो और हमारी मशीनें बहुत पसंद आई होंगी। तो मैं चाहूँगी कि ज़रूर आप हमारे कंपनी में ऑफिस में विजिट करें। हमारा ऑफिस जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फूड मार्ट एग्रो इंजीनियरिंग, जहाँ हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग भी है और साथ ही साथ हमारी कंपनी है। तो ज़रूर आके आप हमारी कंपनी में विजिट करें, और जैसे कि आपको चैनल पे नंबर शो किए जा रहे हैं तो आप ज़रूर हमसे कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।